दो दिनों की सख्त मेहनत के बाद एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला, जो कि बॉर्डर क्रॉस करवा के हिंदुस्तान की तरफ ड्रग्स पुश करते थे और भारत की तरफ से कुछ लोग ऐसे जो उस ड्रग को फिर आगे फर्दर सप्लाई करते थे। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पैकेट हीरोइन के जब्त हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ के लगभग है। 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इतला मिली कि एक आदमी जिसका नाम नरेश कुमार है, वो खोड़ एरिया से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई बड़ी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। उसकी स्कूटी का नंबर भी हमारे साथ शेयर किया गया। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की टीमें, उन्होंने जगह जगह पे नाके लगाए और दौराने सर्च